हेलो गाइस, ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है और हम चलते हैं घूमने के लिए। और वहां मैं आपको भी लेके चलती हूँ, आपको भी पसंद आएगा। और ये देखिए शाम का सनसेट का टाइम हो रहा है और ये है मथुरा रिफाइनरी, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर पड़ती है। तो चिमनियों के बीच में से सन छुपते छुपते चल रहा था साथ में, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद आया ये आगरा। आगरा देखिए कितनी पुरानी धरोहर दिख रहा है, या क्या कहते हैं, गुरुद्वारा दिखा। और ये आगरा सिटी है और हम चल रहे हैं ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव की सैर आपको भी करा के लेके आते हैं, और जो शायद आपको भी पसंद आएगा। जो आसपास के लोग हैं वो तो जा कर के आएंगे, जो दूर बैठे हैं ना वो भी ताज का दीदार कर लेंगे। और ये देखिए सजावट कितनी अच्छी हो रही है, और जो वहाँ लाइट हल्की धीमी सी दिख रही है ना, वो यमुना जी हैं। तो वहाँ पर भी लाइट का कुछ शो हुआ है और आरती भी हो रही है, मतलब गंगा आरती, यमुना आरती होती है ना, वो भी बहुत तरीके से हो रही है बहुत। और ये देखिए रश कितना हो रहा है, सभी अपने अपने ड्यूटी में लगे हैं कि सुव्यवस्थित ढंग से सब चल सके। और कितना डेकोरेशन हो रखा है, और मैं भी गाड़ी से ही थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि आसपास तो रुकने की कोई जगह नहीं है। और ये देखिए ये जा रहा है मेट्रो का रास्ता, पहले 2 लेन का रास्ता था, अभी आगरा पूरा चेंज हो गया है और बहुत ही सुंदर हो गया है पहले की अपेक्षा। और ये देखिए बस ही है, अब ये क्या बनेगा यहाँ पर, रेलवे मतलब मेट्रो का ही कुछ बनेगा या टिकट घर बनेगा या क्या बनेगा वो तो मुझे मालूम नहीं है। और हाँ, अभी बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, एक बस ही आगरा में ही आ गया, तो आप उससे भी काम चला लो। और ये देखिए रोड कितने सुंदर लग रहे हैं, और सजावट तो देखिए पूरा, जैसे बोलते ना चांदनी रात वाला, बस व्हाइट से ही सजावट है और जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। कैमरे में तो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, कोशिश तो मैं कर रही थी। ये देखिए ताज कितना सुंदर सज रहा है। और ये इसके बाद में हम जब पहुंचे मेले के पास में, तो ये लड़की, एक कलाकार इसको बोलेंगे, छोटी है पर बहुत बड़ी कलाकार है, वो कितना अच्छा करतब दिखा रही है। तो उसको देखने के बाद मैं रुक गई थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। और इतनी मेहनत से कर रही है तो उसको इनाम तो बनता है, फिर उसको हमने कुछ इनाम भी दिया। इसके बाद में थोड़ा सा और देखने के बाद में फिर वहाँ से मैं निकल जाती हूँ। आगे भी एक और सर्कस में काम कर रही थी पर मैंने उनको सूट नहीं किया, वहाँ से निकली। तो फिर ये है टिकट घर, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी ताज महोत्सव में अंदर दाखिल होने के लिए। तो ये वहीं की चहल पहल है, तो लोग लाइन में लगे हुए हैं और भीड़ तो बहुत है, और सब अपने टिकट बारी आ मतलब टिकट लेने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं भी लाइन, मतलब मैं तो लाइन से बाहर खड़ी थी, ये लाइन में खड़े थे। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ कि देखिए अगर ताज महोत्सव में आना है तो भीड़ तो बहुत है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आइए। और ये देखिए ये महिलाओं की लाइन है, उधर पुरुषों की है। और टिकट का किराया, मतलब टिकट का किराया नहीं बोले, मतलब टिकट है 50 रुपये की, 50 रुपीस। और ये देखिए दोनों लाइनें लगी हैं। इसके बाद में हम लोग टिकट लेकर के इसके बाद हम निकल जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा एरिया देखने को मिला, 3-4 दरवाजे बनाए गए हैं। तो एक दरवाजे जब मैं इधर से निकली तो मुझे वो एरिया देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने शूट किया। और ये भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिंगिंग का चल रहा है, अलग अलग दिन अलग अलग हो रहे थे, पर ये लास्ट दिन है। तो आज सिंगिंग का था, तो मैं थोड़ी देर पहले वहां गई, थोड़ा सा अटेंड किया, और बहुत शोर शराबा हो रहा था क्योंकि वो गाना चल रहा था ना, कि तुम बिन हम मर जाएंगे, तो पब्लिक भी साथ साथ गा रही थी, तो अच्छा तो बहुत लग रहा था। और ये देखिए वहां थोड़ा सा देर रुकने के बाद में, क्योंकि थोड़ा
थोड़ा सा भीड़ ज्यादा होती तो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कम हो जाता है, तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से मैं ज्यादा देर नहीं रुकी। पर मैंने कहा थोड़ा सा मैं सूट कर लेती हूँ, स्टेज प्रोग्राम हो और थोड़ा तो बनता है, तो बस मैंने वही सूट करने के बाद में, ये देखिए पब्लिक हर जगह है ये देखिए प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, ये कोई हॉल जैसा टाइप का है तो वहीं पर चल रहा। फिर मैं वहां से जल्दी निकल के आ गई और बाहर आने के बाद मुझे एक बर्तन की दुकान दिखाई दी, और बर्तन तो मेरे फेवरेट हैं, मतलब बर्तन हो गमले हो ये सब चीजें दिख जाती तो मैं रुके बिना तो नहीं जाती हूँ, लूँ या ना लूँ पर थोड़ी देर तो मैं उनके साथ टाइम बिताती हूँ। बस वही हुआ कि मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, तो देखने के बाद में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये जो अंगीठी नुमा दिख रहा है ना वो मैंने चूल्हा लिया है, और ये सामने हांडी या पतीली जो भी बोलेंगे, एक मैंने ये लिया है और एक क्या कहते हैं चपाती वाला तवा लिया है। ये लेने के बाद में मैं थोड़ा सा और देखा करके मैंने कहा थोड़ा सा और आपके सूट करते थे, और ये उसके इन्फॉर्मेशन लिखा है ना तो वो भी मैंने सूट कर लिया, कि उनके पास एक्स्ट्रा पंपलेट नहीं थे और सेट भी थे, देखो थाली के सेट भी थे और बहुत बर्तन थे, मतलब उनके पास फुली पूरा सब किचन का सामान था। और ये मुझे छोटे मोटे कैंपर तो बहुत ही अच्छे लगे, बस हमारे पास बैग नहीं था नहीं तो इनको मैं पक्का साथ में लेके आती, क्योंकि ये बर्तन मुझे मतलब ये कैंपर तो इतना अच्छा लग रहा था कि टेबल में रख लो बस पानी निकाल के पी लो, जग की जरूरत नहीं है। और ये बोतल थी भी, ये भी मतलब मिट्टी की ही थी, और यह हमारा सामान पैक हो गया, क्योंकि कोई बैग नहीं दे रहे, और हमने भी बैग नहीं लिया था, डिक्की में छोड़ के चली गई थी बैग को। और ये देखो कुकर रहेगा सामने, वो 1600 रुपये उसका प्राइस बताया था उन्होंने, पर वो हमने नहीं लिया। और देखिए कप का सेट भी है, केटली सेट, मतलब पूरे बर्तन मिट्टी के मिल रहे हैं यहाँ पर, जो हम ऐसे रखते हैं वो वाले बर्तन भी। ये हमारा तवा, मैंने कहा चलो मैं आपको सूट करती हूँ। फिर तो उनको थोड़ा सूट करने के बाद वहाँ से निकली तो देखिए दूसरा दरवाज़ा है, ये भी ताज महोत्सव की एंट्री का ही है। उन्होंने 2-3 गेट बना रखे थे पर आने जाने के दोनों ही एक जैसे ही चल रहे थे, तो आ रहे थे जा रहे थे। और ये एरिया भी मैंने कहा थोड़ा तो मैं सूट कर लेती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है ताज महोत्सव का। और वहाँ पर बहुत झूले और मेले लगा, मेला मतलब सभी कुछ था सामान मेले में। और ये देखिए ये रंगोली टाइप का उन्होंने बनाया था, और ताज और आगरा और पतंग, ये तो बोलते ना तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, पतंगों से सजा हुआ था और ताज महोत्सव 2024 था। मैंने कहा चलो वो भी थोड़ा डिजाइन के लिए तब थोड़ा देखने के लिए सूट कर लेती हूँ, हमेशा के लिए याद रहेगा कि कौन सा महोत्सव था। और इसके बाद मैं बाहर आई, एक दुकान वाला हर सामान 100-100 रुपये बेच रहा था, तो ये नीचे किसी और की दुकान थी वहाँ तक आया, मैं ये भी तुम्हारी है क्या, ये भी 100 रुपये में देख रहा था, उसको मैं छेड़ रही थी। और उसके बगल में जो दुकान थी उसके बाद छोटा छोटा सामान था वो सब 100 रुपये था। और ये भी एक डेकोरेट वाली दुकान थी जो बहुत सारा सामान था, तो हमने वहाँ से 2 घोंसले ले लिए। इसके बाद मेरी आगरा से निकलने की तैयारी हो गई, तो मैंने जाते समय भी कोशिश किया कि मैं ये दरवाजे सूट कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और देखो निकलने के समय इनका हाय दिख रहा है और मेरा बाय करने का टाइम हो गया आगरा का, तो बस हम अभी आगरा से निकल चले हैं। और रात का कितने 11, 11:30, 12 बज गए हैं, फिर भी आगरा में चहल पहल में कोई कमी नहीं है, बहुत भीड़ है और सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मैं जाते समय थोड़ा सा सूट किया, आते समय तो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था पर जाते समय थोड़ा सा मिल गया, लाइट आने से थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो रहा था मैं, बाकी तो बहुत अच्छा था। और ये देखिए, और ये कोई डिजाइन थी शायद लठमार होली का कुछ डिजाइन है क्या है, मैं इतना अच्छे से नोटिस नहीं कर पाई, आप देख लेना तो बताना। और ये देखिए नीचे से बनाया है मेट्रो का, उन्होंने डिजाइन कैसे दिया है ना 3 कलर की फूलों की, मतलब झंडे वाला तिरंगे का। और आई होप मेरा वीडियो अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये देखिए आगरा से निकलते समय बस थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा था वो देख रहे थे, और देखो रात का 12:12 बजे का टाइम, तो ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं,
इनके साथ में हमें निकल के घर पहुंचना है, वीडियो देख